नमस्कार। सितारे पुलिस यूट्यूब चैनल पर मैं सुशील स्वामी, जिला पुलिस प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला पुलिस प्रशासन द्वारा आज नशा मुक्ति पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला पुलिस थाना सदर के कालिया गांव में आयोजित की। सीओ सिटी रोशनलाल पटेल पुलिस थाना सदर के थानाधिकारी राजेश के साथ कार्यशाला में पहुंचे। इस कार्यशाला में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी, पंचायत सरपंच, पंच, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर संचालक वे काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। इस कार्यशाला में सीओ सिटी रोशन पटेल ने ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में समझाया और उन लोगों को जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान में सहयोग देने की अपील भी की और उन्हें कहा कि आप समय समय पर हमें इसकी सूचना देते रहे, जिससे नशे के कारोबारियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके और गाँव को नशा मुक्त बनाया जा सके। पोस्टिंग गंगानगर हुई तो मैंने मुख्य समस्या पूछी यहाँ की, पता की क्या समस्या है। तो मेरे सामने आया कि यहाँ की सबसे बड़ी अभी जो ज्वलन समस्या है वो नशे की है। यहाँ के युवा नशे के गिरफ्त में आ गए हैं। तो फिर हमने एक कार्य योजना बनाई और उस कार्य योजना में फिर हमारे जो नए IG साहब आए हैं उनकी भी पहली प्राथमिकता यही है कि श्री गंगानगर को नशे से मुक्त करना। नए SP साहब हैं, उनकी भी प्राथमिकता यही है और हम सबकी प्राथमिकता भी यही है। और आप लोगों को जो डाउट है, थोड़ा बहुत अविश्वास है पुलिस के प्रति कि पुलिस वाले इस कारोबार में सम्मिलित हो सकते हैं, तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम इस धंधे में हमारा कोई भी पुलिस वाला सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये मौत का कारोबार और जो बंदा ये कारोबार करता है उसके परिणाम भी आपने देखे होंगे, आपके गांव में भी देखे होंगे। जमीनें बिक गई है, उन घरों में उनके दादा दादी कोई जीवित है तो उनकी हालत ऐसी है कि उनके अंदर के सभी जो ऑर्गन खत्म हो गए, लगभग आप धक्का दो तो गिर जाए। तो नशे के दुष्परिणाम के बारे में आप सब लोग परिचित हैं, लेकिन ये नशा धीरे धीरे समाज के अंदर अपनी पेट कैसे जमाता है इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, सबसे फर्क पड़ता सामाजिकता की भावना के साथ ये जो बीमारी अपने समाज में घुस गई है, अपने गांव में घुस गई है, उसको दूर करने का प्रयास करें। एक पक्ष तो हुआ ये, इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि किसी भी चीज की जितनी इजी अवेलेबिलिटी रहेगी उसका यूज ज्यादा होगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पुलिस और प्रशासन की ओर से भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम भरपूर कोशिश करेंगे कि ये जो नशा है ये आपके गाँव तक नहीं पहुँचे। और इसके लिए हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें, क्योंकि हमारी लोकेशन सिटी में होती है, हम हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते। एक गांव का व्यक्ति पड़ोस वाले व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी रखता है। तो आप हमें यदि अच्छा, एक इसमें आपकी एक बात ये और भी आई कि आप यूँ कहते हो कि यहाँ से हमने कॉल किया, आप यहाँ से उठा के ले गए और उसको छोड़ दिया थोड़ी देर बाद, तो उसके भी कुछ कानूनी प्रावधान होते हैं, हमारी कुछ मजबूरियाँ होती है, एक निश्चित मात्रा होती है जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति के पास मिलता है तो उसकी हाथों हाथ जमानत हो जाती है या एक दिन या दो दिन बाद की जमानत हो जाती है। यदि वो इतनी क्वांटिटी के साथ पकड़ा जाएगा तो वो यदि कोई बंदा कैसा बनेगा वो उस पर करेगा कि उसका आसपास का वातावरण कैसा है, इन चीजों पर डिपेंड करेगा। उसका परिवार कैसा है, उसका पड़ोस कैसा है, उसके रिश्तेदार नातेदार कैसे हैं, तो फिर क्या जिम्मेदारी किस पे आ जाती है, समाज पर आ जाती है। और इस गांव का बच्चा आपका बच्चा समझ के आपका ये नहीं कि यार नहीं मेरा बच्चा तो साला नशे से दूर है, पड़ोसी का बच्चा तो मजे लेते हैं हम, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपका दायित्व तो बनना चाहिए कि यार यदि पड़ोसी का बच्चा भी गलत दिशा में जा रहा है तो उसे समाज की मुख्य धारा में लाए, नशा छुड़वाए। प्रॉब्लम यही है, आज आप बता रहे जैसे इस गाँव में 8,000 लोग है और इतने कम लोग आए, इसका कारण यही है कि वो लोग मस्त है यार हमारे क्या लेना देना हुआ। और एक उदाहरण मेरे कल परसों बता रहे थे कि किसी डिप्टी साहब का ही बच्चा इस चपेट में आ गया था और उसकी डेथ हो गई थी, तो वो आपने बताया था, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। नशे के लिए सभी एक समान है, वो कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। जिम्मेदार कौन होते हैं, हम अगर पर्याप्त अपने बच्चों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाए, उनकी संगत की ओर हमारा ध्यान नहीं गया कि बच्चा कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, तो वैसे ही बच्चे, मैंने पहले भी कहा था
कि कालिया गांव के या किसी भी समाज के सभी बच्चे नशे की गिरफ्त में नहीं है, उसका कारण यही है क्योंकि माहौल तो यही है, इसी गांव में रह रहे हैं सभी, तो सभी बच्चे होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जिसके बच्चे नशे में शामिल है हमसे कहीं ना कहीं कमी रही है। चलो अब बात हो गई कि बच्चे को नशे की लत लग गई, तो अब अपना दायित्व ये है कि कैसे भी करके जा रहा है इन्हों को संभालना है, तो आप जागरूक हो, नहीं तो ये जो चिट्ठा है ये है बेशरम फीटा जो किसका कोई रिश्ता नहीं रखता है। दो चार स्लोगन भी लगाए अपने काम में। सही बस स्टैंड पे ये दो चार ये जो ये बोर्ड बना गया ना ये चिट्ठा।